बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट कैमरा, बेस्ट गेमिंग, ऐसा कौन सा स्मार्टफोन होगा जो कि 45,000 में ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा। मैं हूं ना यह सब कुछ बताने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। अगर आपको बजट 40 से 45,000 आज से 6-7 माह पहले था ना, तो आप एक डेफिनेटली नया स्मार्टफोन बहुत ही तगड़ा ढूंढ सकते थे जिसमें ये सब कुछ देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी ऐसा कुछ स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो देन आपको एक स्मार्टफोन बताऊंगा वन प्लस की तरफ से, जो कि अभी भी आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन से। आता है वन प्लस की तरफ से वन प्लस 7T। प्राइस आगे चल के डिस्कस करता हूँ कितने में आपको मिलेगा, कौन सा वेरिएंट मिलेगा। सबसे पहले कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बता दूँ। सबसे पहले अगर आप आउटडोर में यूज करते हो ना फोन, तो इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, ब्राइटनेस काफी तगड़ी दी गई है। अगर आप आउटडोर में यूज करते हो तो आपको कोई भी मसला नहीं होने वाला। एक एमोलेड डिस्प्ले 90Hz के साथ में आता है, और वन प्लस के जो फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले ना, बहुत ही आपको स्मूथ देखने को मिलते हैं। काफी यूज करने में मुझे भी मजा आया था, काफ़ी आपको स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलता है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला कि डिस्प्ले कहीं अटक रहा हो या फिर कलर शिफ्टिंग, कलर बर्निंग, कोई भी ऐसा मुझे इशू देखने को नहीं मिला। हाँ, मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन आते हैं जिनमें आपको काफ़ी सारे डिस्प्ले डॉट वाले देखने को मिलते हैं, या फिर आपको कहीं से कलर ख़राब नज़र आ रहे होंगे। तो भाई, अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो दो स्मार्टफोन को पकड़ लेना, दोनों को साइड बाई साइड चेक कर लेना। अगर किसी का बेस्ट डिस्प्ले आपको लग रहा है ना कि इस फ़ोन का डिस्प्ले मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है और ओरिजिनल लग रहा है, देन उस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। यही चीज नहीं, अगर आप इस फोन को यूज करोगे तो आपको प्रॉपर फील आएगी कि आप एक महंगा फोन यूज कर रहे हो। आपने 45,000 दिया है, आपको फील पूरी आएगी, क्योंकि बैक पर आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिलती है और एल्युमिनियम के फ्रेम है। तो भाई, सर्दियों में वैसे ही ठंडा ठंडा फील होता है जब आप इसको फील करोगे तो, और वैसे भी पकड़ोगे ना हैंड की फील जो ना काफी अच्छी ग्रिप देखने को मिलती है। और मुझे इसे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ यूज़ करने में कि एजेस इसके लगते हो या फिर मेरे हाथ में पूरा आराम से आता ना हो। इसके वॉल्यूम अप और डाउन बटन ये भी काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं। स्लाइडर भी आपको साइड पर देखने को मिलता है, वो भी काफ़ी अच्छा इसका वर्क करता है। इसमें आपको टाइप सी पोर्ट दी गई है, डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, और एक चीज़ इसमें आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता। अगर आप गेमर हो तो आपको एक साथ में अडॉप्टर लेना पड़ेगा टाइप सी वाला, उसके अंदर आप 3.5mm की लगा के जो भी हैंडफ्री यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको टाइप सी वाली हैंडफ्री लेनी है तो वो भी आप मार्केट से जाके परचेज कर सकते हो। ये फोन किसी एक बंदे के लिए नहीं है कि गेमर है तो भाई तब भी ये ले सकता है, अगर नॉर्मल यूज़र है तो वही ले सकता है। ये भाई ये कंबाइन है, आप उसमें मिला लो, जिस भाई ने भी लेना है ना, सभी ये स्मार्टफोन ले सकते हो। क्योंकि अगर आप इसमें गेमिंग करना चाहते हो तो स्नैपड्रैगन 855 प्लस देखने को मिलता है, जो कि आपको काफ़ी स्मूथ गेमिंग देखने को मिलती है। 90fps की आपको गेमिंग प्रोवाइड करता है ये स्मार्टफोन। ऊपर से 90Hz का डिस्प्ले है, जब यूज़ करोगे ना तो भाई इतना स्मूथ डिस्प्ले है, और साथ में जो गेमिंग 90fps यूज़ करते हो ना, तो भाई मेरे से तो 90fps खेल ही नहीं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। और बहुत स्मूथ आपको 90fps गेमिंग इसमें देखने को मिलती है, और डिस्प्ले भी काफ़ी स्मूथ है। अब आप लोग ये सोचोगे भाई इतना तगड़ा प्रोसेसर है तो हमें तो इतना तगड़ा चाहिए ही नहीं, गेमर के लिए होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजेज के लिए लेना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली ये स्मार्टफोन ले सकते हो। अब नॉर्मल यूजेज के लिए मैं बताता हूँ कि ये स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर आपके लिए कैसे काम करेगा। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, मतलब आपको अच्छा कैमरा चाहिए, फोटोज खींचना चाहते हो, देन वहाँ पे काम आती है पोस्ट प्रोडक्शन। और पोस्ट प्रोडक्शन जो होती है वो प्रोसेसर के दम पे होती है। तो इस मोबाइल फोन में आपको 48MP का बैक कैमरा दिया गया, मेन कैमरा साथ में 16MP का अल्ट्रावाइड कैमरा, और 12MP का आपको टेलीफोटो जूम लेंस प्रोवाइड किया गया, जो कि 2x तक ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर आती है इसकी पोस्ट प्रोडक्शन इस प्रोसेसर की। तो भाई यहाँ पर मैंने इस फोन को टेस्ट किया था, मेन कैमरा, अल्ट्रावाइड कैमरा, इन दोनों में कलर शिफ्टिंग होती ही नहीं है भाई, इतनी तगड़ी आपको देखने को मिलती है इसकी कलर शिफ्टिंग। मतलब काफ़ी सारे मोबाइल फोन अगर आप यूज़ करोगे ना, 25-30,000 वाला कोई फ़ोन उठा लो, मेन कैमरा से पिक्चर खींच लो, उसके अल्ट्रावाइड से खींच लो, तो भाई दोनों में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क देखने को मिलता है। उसके कलर्स और होंगे, उसके कलर और होंगे, उसकी क्वालिटी और होगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, सेम क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। ये महंगे फ़ोनों में आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो ये इस फोन में आपको प्रोवाइड किया गया। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें आप कर सकते हो, टेलीफोटो जूम लेंस आता है, 2x तक आप जूम करके इमेजेस भी कैप्चर कर पाओगे। 16MP का आपको फ्रंट कैमरा दिया गया, काफ़ी तगड़ा कैमरा है, पोर्ट्रेट इसके काफ़ी तगड़े आते हैं, एजेस काफ़ी शार्प आते हैं, तो एक कैमरा डिवाइस भी आप कह सकते हो। नॉर्मल यूजर्स के लिए लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आप हर चीज़ के लिए ले सकते हो। लेकिन इस चीज़ के एक डाउन साइड भी है, हर चीज़ की बेस्ट साइड होती है, डाउन साइड भी होती है। इस मोबाइल फोन में आपको 3800mAh की बैटरी दी गई है, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए कम भी हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों के लिए नॉर्मल भी हो सकती है। क्योंकि मैं जो फोन यूज़ कर रहा हूँ ना, ये फोन है 4000mAh की बैटरी के साथ में आता है, तो मेरा दिन एक दिन आराम से निकाल जाता है। और मैं वैसे भी स्टूडियो में रहता हूँ, तो अगर कोई मसला होता है तो मैं चार्जिंग भी लगा लेता हूँ। अगर तो ऐसे बंदे हो ना जिनको भाई आउटडोर जाना है, ज़्यादा लंबे मतलब ट्रैवल करते हो, तो भाई आप पावर बैंक ले सकते हो तो ले लो। अगर आप पावर बैंक नहीं लेना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली आपको मैं रेकमेंड करूँगा ये फ़ोन आप मत लीजिएगा, क्योंकि बैटरी
इसकी एक दिन आराम से निकालती है, मतलब एक दिन में कभी कभी दो बार भी चार्ज करना पड़ता है। अगर आप हैवी गेमर होते तो भाई आपको दो बार तीन बार चार्ज करना पड़ेगा। इस मोबाइल फोन में आपको 8GB रैम देखने को मिलती है, 128GB बैटरी स्टोरेज आती है। अभी स्मार्टफोन पाकिस्तान में पैच भी आते हैं, पीटी अप्रूव भी आते हैं और नॉन पीटी अप्रूव भी आते हैं। तो भाई मैं तो आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पैच वाला स्मार्टफोन लो। अगर आप लेना चाहते हो तो अपने रिस्क पे आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें बैंकिंग ऐप नहीं चलती और चलाना भी चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, तो सिक्योर नहीं होती। तो अगर आप बैंकिंग ऐप आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आप ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करते हो, देन आप मैं आपको रेकमेंड करूँगा पैच स्मार्टफोन नहीं लीजिएगा। पैच वाला स्मार्टफोन आपको 45,000 अराउंड देख रहा हूँ मिलता है। अगर आप नॉन पीटीएफ लेना चाहते हो तो 35,000 अराउंड देख रहा हूँ मिल जाएगा। साथ में आप एक जैज डीजर 4G का फ़ोन ले लो, जिसमें आप दो सिम लगा पाओगे और साथ में हॉटस्पॉट चला के इसके साथ कनेक्ट करके आप गेमिंग करना चाहते हो, फोटोज लेना चाहते हो, सब कुछ इसके साथ कर सकते हो। ये इसका सस्ता हल है। वो 3-4 हज़ार या 5,000 का आ जाता है स्मार्टफोन जैज डीजर 4G, तो आपको 40,000 में एक ऑफिशियल मतलब ऑथराइज देख रहे मिल जाएगा। आपको ठप्पा मिलेगा कि ऑथराइज आप यूज़ कर रहे हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसके साथ में। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हर बंदे के लिए मैं समझा दिया कि आपको ये कैसा स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।